आज मुझे इन्हें देखकर बहुत हिम्मत मिली कि मैं भी कुछ कर पाऊंगी यूट्यूब पर करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हुस्ना स्टेटस। आज मैं आपको घर पर ही नज़र आऊँगी क्योंकि मैं मॉर्निंग अभी से व्लॉग चालू की हूँ। कम 11 बज चुके हैं। मैं थोड़ा आज मैं शॉप पे लेट जाने वाली थी तो मैं लेट उठ गई, तो आज मैं दोपहर के बाद ना शॉप पे जाऊँगी। तो आज थोड़ा घर का काम वगैरह करूँगी और क्या, फिर आज मेरे घर पे थोड़ा काम भी है क्योंकि वॉशिंग मशीन बहुत ख़राब है तो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कराना है। वो रिपेयरिंग वाले भी आए हुए हैं तो रिपेयरिंग करवाऊंगी। तो अभी से मेरा आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज मेरा चिट्टू भी नाराज़ नहीं है। ओके गाइस, चलिए हम क्या करते हैं, पहले मैं अभी उठी हूँ तो चाय पी लूँगी। मुँह भी नहीं धोया है तो पहले मैं अपनी वीडियो छोटी सी बना लूँ, बाद में मैं चाय पी लूँगी। बल्कि वीडियो बनाने आ गई आपके सामने, देखो वीडियो बनाने आ गई और अभी चाय बना के चाय पियेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं घर की भी आपको वीडियो बनाऊँगी, मैं घर में कैसे काम करती हूँ, क्या करती हूँ, चाय बनाने का, नाश्ता वगैरह बनाने का, वही आगे आगे मैं आपको वीडियो बनाऊँगी, वो भी वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं, तो उसका कुछ वेंडिंग कुछ चला गया है तो रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। रिपेयरिंग मतलब ये कर्नाटक की भाषा में रिपेयरिंग बोलते हैं और हिंदी भाषा में उसको वॉशिंग मशीन को ठीक करवाना है बोलते हैं। मैं दोनों भी बात करती हूँ, दोनों भी बोलूँगी। आप सबको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेरा देखो, मेरा चिटू बेबी यहीं है। देखो इसको क्या बोलूँ। देखो आज मेरा चिटू बेबी नाराज़ नहीं है मेरे से, आज मेरे से बहुत प्यार से है मेरा चिटीला बेबी, बहुत बहुत प्यार करता है। अभी उसको दूध नहीं डाला है इसीलिए इतना तड़पड़ रहा है, अभी दूध डालना है। अभी थोड़ा घर की साफ़ सफाई करना है, बहुत दिन हो गए साफ़ सफाई करने के बाद, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, थोड़ा सा काम करने वाली हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने हैं तो घर की सफाई पहले कर दूँगी। फ्राइडे है आज, फ्राइडे के दिन मैं शॉप पे लेट जाती हूँ। अच्छा गई, सबके घर की साफ़ सफाई हो गई और पानी, और मैं नमाज़ पढ़ ली फ्राइडे की, जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं असर का टाइम है, मैं निकल रही हूँ शॉप के लिए निकल रही हूँ। और मैंने आज एक वीडियो देखी जो मुझे बहुत पसंद आई कि औरत पर्दे में रहकर बहुत कुछ कर सकती है। जो सब कहते हैं ना, तो पर्दे से बाहर निकल ही औरत कर सकती है, नहीं औरत बहुत कुछ कर सकती है पर्दे में रहकर। क्योंकि मैंने एक आज एक वीडियो देखी तो मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि वो जो पता। अच्छा गाइस, मैं अभी शॉप पे आ गई हूँ। शॉप की हालत बहुत बुरी पड़ी है क्योंकि कल न्यू स्टॉक भी आया हुआ है तो शॉप की हालत बहुत बुरी पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, बाद में कौन शॉप की काम स्टार्ट करूँगी तो टाइम तो लगेगा ही शॉप की काम स्टार्ट करने पर, वो भी बताऊँगी कि शॉप कितना गंदा पड़ा हुआ है मेरा, तो उसको पूरा मैं क्लीन करना है। बहुत बोले तो बहुत गंदा पड़ा हुआ था, खराब पड़ा हुआ है क्योंकि
न्यू स्टॉक है और जो कस्टमर देखते हैं वहीं वहीं रख के चले जाते हैं, तो शॉप बहुत गंदा पड़ा हुआ है। तो मैंने आज एक बात सीखी, किसी की वीडियो देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पर्दे में आती हूँ तो मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं होगी, मेरी वीडियो को व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो मुझे उनसे एक हिम्मत और एक जोश मिला जो, तो मैं सोच रही थी कि मैं पर्दे में आती हूँ तो मेरा व्यूज़ नहीं आएगा, मेरा भी चैनल बहुत इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि पर्दे में रहकर बहुत इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि इन्हें देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली, दिल को एक उम्मीद मिली कि मैं भी कुछ करूँगी कुछ, अब मेहनत करना तो मेरे ऊपर है तो फल देना तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो इन्हें देखकर मुझे बहुत सारी उम्मीद मिली कि इनके इतने 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और इनके क्या बोलते हैं इनके व्यूज़ भी बहुत सारे हैं। तो ये बाजी पर्दे में रहकर ही पूरे वीडियो, बहुत सारी इनकी वीडियो देखी कि मैं ये बाजी है ना आप पर्दे में रहकर बहुत इतना इतने सब्सक्राइबर कर सकती हैं, तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह, पर्दे में रहकर ही अपनी अपने चैनल को इम्प्रूव करेंगे। देखो इनका पॉपुलर वीडियो देखो, वर्ल्ड 4 ईयर से ये बाजी वीडियो बना रही हैं और इनका वीडियो में 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ देख चुके हैं। तो बहुत सारा इनको बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इनका वीडियो देखकर मुझे भी बहुत हिम्मत मिली। आप मानो ना मानो बहुत सारी हिम्मत मिली, क्योंकि औरतें पर्दे में रहकर भी बहुत सारा बहुत कुछ कर सकती है करके मुझे एक उम्मीद सी जागी है दिल में। मैं भी बहुत कोशिश करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी अपना चैनल ग्रो करने के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब अल्लाह देगा मुझे। ज़रूर पता है कि मेहनत करने पर हमेशा कामयाबी हमेशा मिलती है, तो मैं भी मेहनत ज़रूर करूँगी। कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है और मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं यही सोचकर मैं बहुत मेहनत करूँगी, पर्दे में रहकर ही मेहनत करूँगी, अल्लाह ज़रूर मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। ओके, मैं आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत सारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, इतना सब्सक्राइबर है उनका ही बहुत 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 शुक्रिया। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। आप सबका व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।